राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जेसीपी अमर शहीद परेड ग्राउंड, अमर शहीद वाधवा के नाम पर जो इस परेड ग्राउंड को स्थापित किया गया है, वहां पर हमने झंडोत्तोलन किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय परंपरा के मुताबिक हमारे जवानों ने जोश के साथ गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, देश की सुरक्षा के प्रति अपने कमिटमेंट और दुश्मन के प्रति अपनी निगरानी को और भी ज़्यादा चौकस रखने का प्रण लिया। इस अवसर पर बॉर्डर की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की परंपरा है उसके मुताबिक हमने अपने जवानों के साथ साथ काउंटर पार्ट के जो रेंजर्स हैं उनके ट्रूप्स, उनके कमांडर्स को भी इस शुभ अवसर पर शुभकामना दी और उनसे मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। परेशानियां चाहे जितनी भी हों, मौसम चाहे जितना भी बुरा बर्ताव करे, देश की सुरक्षा में लगे हुए सीमा सुरक्षा बल, उसके सारे जवान, सारे कमांडर पुणे प्राण प्राण से साथ राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे हुए हैं। खराब मौसम हमारे जोश को और ज़्यादा उत्साहित करता है। देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर इस विपरीत मौसम के बावजूद भी हम राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जेसीपी अमर शहीद परेड ग्राउंड, अमर शहीद वाधवा के नाम पर जो इस परेड ग्राउंड को स्थापित किया गया है, वहां पर हमने झंडोत्तोलन किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय परंपरा के मुताबिक हमारे जवानों ने जोश के साथ गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, देश की सुरक्षा के प्रति अपने कमिटमेंट और दुश्मन के प्रति अपनी निगरानी को और भी ज़्यादा चौकस रखने का प्रण लिया। इस अवसर पर बॉर्डर की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की परंपरा है उसके मुताबिक हमने अपने जवानों के साथ साथ काउंटर पार्ट के जो रेंजर्स हैं उनके ट्रूप्स, उनके कमांडर्स को भी इस शुभ अवसर पर शुभकामना दी और उनसे मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। परेशानियां चाहे जितनी भी हों, मौसम चाहे जितना भी बुरा बर्ताव करे, देश की सुरक्षा में लगे हुए सीमा सुरक्षा बल, उसके सारे जवान, सारे कमांडर पुणे प्राण प्राण से साथ राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे हुए हैं। खराब मौसम हमारे जोश को और ज़्यादा उत्साहित करता है। देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर इस विपरीत मौसम के बावजूद भी हम राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।